Gangi took the near Zonga Tower, and the phone with the Dumb Chuniton Zibi Gotham de la Sansa. Param Adarni, His Eminence Chungun Rumbocheji, Param Sharde Kordor Rumbocheji, Reiki ke Grandmaster Anil Tyadeji, Bhikshu Sangh, Tatha Sabi Pratibhagigan, Sarvapratham मैं आप सबका वजरयान दर्शन एवं साधना के इस वर्कशॉप में अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम लोग वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दंपत के नवे वर्ग में अरहंत वर्ग में कहा है, साधु दसनाम आर्यान सन्निदो सदा सुखो, अर्थात पोटी भाषा में कहा है फकवा नमनी थोंगवा दे, अर्थात आर्य जनों का नोबल बीइंग का दर्शन करना निश्चित रूप से बहुत ही शुभकर होता है। फकवा नमनी डोकपा दे, अर्थात उन लोगों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ संसर्ग होना, उनके साथ बैठना निश्चित रूप से बहुत ही पुण्यकर होता है। चाहे वो बुद्ध ने कहा है ग्रामे व यदि वरण्य व नमो व या थलो, अर्थात कहा है खिम्मम यंगन छोअमरुंग साचो गंगु नेपादे फक्चो नंगनी साचो गंगु नेपादे, अर्थात जो है वो किसी गांव में हो, किसी केव में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, या नदी के किनारे हो, या वन में हो, निश्चित रूप से पुण्य करने का शुभ अवसर होता है। ऐसा बुद्ध ने जो है दंपत के नवे अरहंत परिच्छेद में कहा है। इसलिए हम लोगों के बीच में वास्तव में एक प्रकार के साक्षात बोधिसत्व साक्षात हमारे बीच में विराजमान हैं, जिनसे आप लोगों को जो है विभिन्न इनिशिएशंस अभिषेक की प्राप्ति करना है। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर हम लोगों के लिए दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात और क्या सुखद अवसर हो सकता है, पुण्यकर अवसर हो सकता है। जीवन आता है चले जाता है, उदाहरण के लिए औरंगाबाद की जनसंख्या शायद कई लाखों में होगी, लेकिन हम यहाँ पर लगभग 100 के आसपास जो यहाँ पर विराजमान है, निश्चित रूप से हम लोग जो है पुण्य संचन करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए ऐसे महान विभूति के मध्य में हम लोग हैं। निश्चित रूप से ये जो है हमें अपने को गौरव का अनुभव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस आयोजन के लिए निश्चित रूप से त्याड़ी जी का जो प्रयास रहा है तथा त्याड़ी जी के साथ जो जो भी इस आयोजन के लिए गत कई दिनों से लगे हैं, उन सब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार का सुअवसर हम लोगों को जो है आयोजकों ने दिया है, निश्चित रूप से इसका भी हम लोगों को अपने में धन्य का शुक्रिया का भाव जो है हमारे अंदर रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से हम लोग जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे महान विभूति से साक्षात हमें इनिशिएशन प्राप्त करने का अवसर मिला है। इसको भी हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसे भी हमें जानना चाहिए। जानते हुए अगर हम करें, मीन्स उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अगर हम जो है ये 3-4 दिन का जो वर्कशॉप है इसको करें, निश्चित रूप से हम लोग जो है बहुत ही पुण्य के भागी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पुनः मैं सभी आयोजकों को, हम लोगों को भी यहाँ आमंत्रित किया है, आप लोगों के बीच में बैठने का सुअवसर दिया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। वैसे
ऐसे बोलना चाहिए। इंग्लिश में तो बोल सकते हैं, कैसे रहेगा इंग्लिश में अगर के बोटी के माध्यम से हमको अनुवाद करना है इंग्लिश में? बाद में जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश में कीजिएगा, शायद जो ऑडियंस को देख रहा हूँ तो समझने में शायद हिंदी ज़्यादा आसान हो सकता है, आपका ऐसा मानना है, इसलिए मुझे हिंदी में अनुवाद के लिए कह रहे हैं। जो प्रश्न उत्तर होगा डायरेक्ट आप लोग इंग्लिश से करें। तो आपने कहा कि जैसे हम लोगों ने प्रारंभ में शरण गमन किया, तो आज पहला दिन है, क्योंकि आगे के तीन दिनों में हम लोगों को जो है विभिन्न ड्यूटियों का इनिशिएशन लेना है। तो इनिशिएशन लेते समय हम लोगों का मोटिवेशन एटीट्यूड कैसे होनी चाहिए, हमारा सोच कैसे होना चाहिए, तथा जब हम इनिशिएशन प्राप्त कर रहे हैं हम लोगों का बिहेव, हम लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए, इस पर आप जो है संक्षेप में हम लोगों का एटीट्यूड और हम लोगों का बिहेव क्या रहे इनिशिएशन के दौरान, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। Nin tang bu kapsu, chitang aranzu namba sanjibi, jidin tau chik shuvena. Tene jidin te, chitang namba sanjiba chire te, lakbardu ya sangha ena ya, ta sangha sayadi chik, tekba chenbo, chenbo te nangne yang, yangze tau chik chandu yore te, ena ya sangha sebi chude ya, loka chik mare, te yang jidin, se sotar nang sangsem sawa haase domba sum jigdu nyamsu lenguya tenri chigi lamri mato sangasa ya jig yang sotar dang sangsem dang dewa kaya mewe tohne nyamli nang nang yang lawa tenri kaya yo mare jiden te sotar dang sangsem ni yang ten nang la changgu yo res आगे के तीन दिनों में हम लोग जो है वज्रयान के आधार पर इनिशिएशन अभिषेक लेना है। तो वज्रयान कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ही एक अंग है। बौद्ध धर्म के अनेक शाखा उपशाखा हैं, अनेक उत्तर अनुत्तर अनेक भेद हैं। तो वज्रयान दर्शन जो है एक प्रकार से बौद्ध धर्म का चरम उत्कर्ष अवस्था है, अनुतर अवस्था है। अतः उसके बेस, उसका बेस जो है, फाउंडेशन जो है, हम लोगों को जो प्रतिमोक्ष सूत्र में जो दीक्षाएं हैं, उपासक है, उपासिकाएं हैं, शामनेर है, शामनिका, भिक्षु, भिक्षुणी, तो जो एक दीक्षा होती है, बेसिक उपासक होना मस्ट है अगर आपको इनिशिएशन लेना है, तो वो जो है प्रतिमोक्ष सूत्र का अंग है। उसके बाद हम लोगों को जो है महायान से संबंधित बोधिचित उत्पन्न करना होता है, उसी के बाद हम इनिशिएशन के अधिकारी हो सकते हैं। अर्थात वज्रयान एक अलग चिड़िया नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, वो जो है बहुत दो का ही एक शाखा है, लेकिन अनुतर है। उसके लिए जो है पहले प्रतिमोक्ष से संबंधित किसी एक दीक्षा का होना जरूरी है, फिर महायान बोधिचित उत्पन्न करना है, तभी इनिशिएशन लेना है। इस चीज को जो है समझना है। अने ता सोथर से सांसेम से संहार से ता लाम छत्संग विवांदु से ना लाम रे रे योंजो लाम योंसु जो बातने लोगा लोगा योरे थे यहाँ तंजु जी कांसा जी की जू ला न्यामसुलें भी तुसु जी सोथर से तो जी रब्दु चुंगो यादा वो जी नां चंसम से तो जी यां ते मायें बालम छा चंवा डा वो जी मेंब भी थोने संहार के कब्सुने जी चब्रो सेम्के अने फ्लाचे पास यां डा वो तंदे जी फ्लाचे पास जी के न्यामिजे जी लम चेरिम डा वो जी लाया जेजोनी के ता संहार के लम दे जेजोनी रे
제조 니가 람타우지 댐바 이나야 잡도당 생지 니보 공도 마송위 고네 되네 아 지금 라제야당 하다야당 대진도 조름 거미야 라소가 뜬네 매바다우지 인두 되네 아 잡도세야 되게 아 소털 아니 생계 세야 되게 장생계 랍사 용수 조바지 춘네 덴데지 그 돈에 드네 냠네 데 인지미지 남고 그래서 예대비 프라티모크스 가비 스와탄터 아프나 마락 해 हम कह सकते हैं जैसे कि थेरवाद परंपरा का स्वतंत्र अपना एक मार्ग व्यवस्था है जिसके तहत चल करके हम अरहत की प्राप्ति ऐसा पा सकते हैं उसी प्रकार महायान का भी एक अपना स्वतंत्र मार्ग है उसके द्वारा भी हम बुद्धत्व की प्राप्ति और फिर वज्रयान भी तो अलग अलग भी अपना व्यवस्थाएं हैं लेकिन जहाँ पर जहाँ तक एक व्यक्ति एक साधक यदि वो जो है विनय का भी अनुपालन करे महायान का भी अनुपालन करते हुए वज्रयान का तीनों यानों का संयुक्त रूप से अगर साधना करना चाहे चाहता है तो यह है कि जैसे विनय से संबंधित हम लोगों ने शरण गमन किया है वो एक प्रकार से हीनायान परंपरा में इंक्लूडित होती है फिर उसके बाद जो है हम बोधिचित्त उत्पन्न करते हैं वो हम महायान में प्रवेश होते हैं उसके बाद हम जो है अभिषेक लेकर के उत्पत्ति क्रम और निष्प्रण क्रम हम जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज जो हम डिवाइन डीटी की भावना करते हैं वो वज्रयान की साधना है इस प्रकार हम एक ही साधक एक ही व्यक्ति तीनों यानों का जो है हीनयान महायान एक ही क्रम में एक ही व्यक्ति अगर साधना करनी चाहता है तो उसका क्रम यह है अर्थात जब हम वज्रयान की साधना करते हैं तो हम थेरवाद की साधना भी करते हैं शरण गमन के द्वारा महायान की साधना करते हैं बोधिचित्त उत्पन्न करके उसके बाद जो हम डिवाइन डिटी का साधना करते हुए वज्रयान की साधना करते हैं Chamdo sun nang suwa tiga nang shin tse. Tene chamdo seya de, tene tamangbo yore de ta chamdo seya de zowo jik rangyi ta tsen de dang tse sima sena re kamsung korwi ngaranzu nukpa gaju ge chamdo nang la korwi njikpa chenpo le da dangdo nam chabi shir Kangyu Tsuwa Kusungda, Jumdendela Chapsum Che, Sitani Tani Sumba Nangshin Che Du, Tene Ta Kamsung Kurwan Dene, Ndela Ya Dunghalge Rangshin Chendu Chor Tong. Ane Del Tene, Tene Rangyi Ta Ya Tarbatan Tamji Chinpi Kompang Topun Doeba De Jamru Re. Tene Dela Yang Ta Njik Chobke Jamru Seya, Ta Lengmyon Ke Jamru Seya, Ta Wadan Tende Mangbo Chik Sungi Yore, Ta Tsende Kero La Chik Lengmyon Da Wo Che Sha Waye Na, Tene Jamru Yaku Chik Cha Sangwa Chik Da Yaku Chik Cha Tuguyo Mare, Njik Chob Nekam Njik Chob Da Wo Tende Samno Ta Waye Na, Yang Jamru Yaku Chik Cha Tuguyo Mare, Yang Kam Sung Kuro Dunghal Jik Ranjin Chendu Shi Ne, Ndele Ranyi Tarbaran Doban Da Wo Chik Che Sha Waye Na, Tene Yang Jik Jamru Da Dung Ron, Da Kar Seng Kurwin Jik Wa Chenpo Le Sungdo Kuro Wan Dele Ya, Ngebron Jung Wi, Samno Di Teng Ne, Tende Chik Se Waye Na, Tene Jamru Koran Rang La Yang, Tene Chik Tsende Dang, Sema Tam Jik La Yang, Negab Dang Tartuk La, Dewa Dang, Dele Ki, Ta Gon Da Wo Chik Yindu, Ta chik ngaran su me tsele jibo chik yong ya tang jikwa le choba la sokwa ke pen yon ta yoyden yoyshin ba re. Yena yang ta tela zo samno chik tang na yang chamno se de bhai na te samadik bhe son la uchik che. La nyi chik kamsung korwan de la nye paran jung bhe kun long ke to ne tene sang je chu gindu la ya chapsun do ya kun long de tene la uchik kuru bhe sa re sam. जहाँ तक शरण गमन का प्रश्न है शरण गमन के भी कई भेद हैं जैसे कि हमारे डुपा परंपरा के अनुसार आपने रिसाइट किया
खोरवे जिक्पा छिम बोले दादंडो नंग के पेज कंगिसो को सुंदर चुम्मन ले ला जब से अर्थात जब हम शरणगमन करते हैं शरणगमन जाते हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि हमारे अंदर जो है संसार दुख है इसको समझना होगा अर्थात हम संसार से निवृत्त होने चाहते हैं संसार दुख भरी है तो इससे हम ऊपर उठने चाहते हैं वैराग्य की भावना जो है जरूरी होता है रिनाउंसिएशन की भावना संसार से तभी हमारा जो शरणगमन होता है वो सही होता है अगर हम रिनाउंसिएशन माइंड के बिना शरण जाते हैं जैसे कि हम किसी अपने इच्छा की प्राप्ति के लिए हम कहते हैं लेगमन अर्थात हमको स्वर्ग मिल जाए हमें या कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए इसलिए हम शरण जाते हैं तो वो शरण जो है प्रॉपर नहीं होता है तो इसलिए शरण के लिए हमारे को सबसे पहले है कि संसार दुख से भरा है तो इससे हमको जो है ऊपर उठना है तो इसके लिए मैं तथागत बुद्ध की शरण जाता हूँ ये जो है सबसे ज़रूरी होता है अगर ऐसा भावना हमारे अंदर ऐसा विचार हम उत्पन्न नहीं करते हैं तो वो शरणगमन जो है वास्तव में सही शरणगमन नहीं होता है जब सुन दो शवाइना नेकब छेतां सोनम वांतां सिजी खड़े ना गरम सुन नेकब के दिलक जुंगी तन जुआ दे शे मागुबाते यंदे संजय लाया सोनम देंबे में संबंधम जिन रूप से आते हिंदू संजय चुगिंदु ने जब सुन रहे आते मस्बे लाभोचे के तने सोनम जी चोरे सोनम जी चोर दो सोवाइना गरम सु मिचला देची पुंसुं सोवाजे योंगी योरे दे जो वो देला समनोतान ने जब सुन रहे जी मेवरे इना ता पेंट योबे दे यंग हाकोना जम्रो देला या करेसिं जुंदु के लोटे योंगी योरे दे गरम सु थम्जिया कुंजोब के देंबा देले शुक्षम बचिक देंगे योचंग दे पेंट देंजो दे यंग हाकोगोन मादो या जम्रो से आदे जिक दोंगल जिक भी थोंदा येंसर मादो ना ता यंग जिक नेगा देले गिंदुबुन रावो जिक चोलगोना यंग जिक लामजिन जिलन रोगोल येंसर समयान रावो थेंदे ता गोगो मारे जम्रो रंग थोने यंग दिपसे थम्जिला थोमर गेवा पार्दु गेवा थमर गेवा से थेंदे सुंग योरबा छु नांगला यंग थेंदे जिक थम्जि देले थम्जि गिंजुंग गो ममा रावो देता जम्रो रे थेसुंग से जम्रो दे केचुम बरि छागे योरे जहाँ तक शरणगमन के लिए वैराग्य की भावना या संसार दुख पर ही है इसको समझना वो रियलिटी में है रियलिटी में या हम कहें या अल्टीमेट जो शरणगमन का अभिप्राय तो वो होता है लेकिन फिर ऐसा है कि इसका अर्थ ये नहीं कि कन्वेंशनली अगर हम शरण जाते हैं बुद्ध और धर्म और संघ का हम शरण जाते हैं निश्चित रूप से त्रिरत्न हमें सपोर्ट करती है हम उनके शरण जाने से हम पुण्य का संचय करते हैं हम पुण्यशाली हो जाते हैं भाग्यशाली हो जाते हैं अगर हम पुण्यवान होते हैं तो एक सांसारिक जो हमारी इच्छाएं होती है वो भी बिसाइड उस साथ साथ वो जो है क्या है संपूर्ण होता है पूर्ण होती है लेकिन शरण गमन का अल्टीमेट जो तात्पर्य ये होता है कि हम संसार से ऊपर उठें फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि शरण गमन करें तो सिर्फ वो अल्टीमेट रियलिटी के लिए ये हो और लौकिक जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति ना होती हो ऐसी बात नहीं है तो इसका आपने स्पष्टीकरण किया त्रिशरण गमन से हम भाग्यशाली होंगे पुण्यवान होंगे पुण्यवान होंगे जो व्यक्ति जितना पुण्यवान होता है उसकी इच्छाएं उसी के अनुरूप जो संपन्न होती है सिद्ध होती है वो भी एक शरण गमन का पक्ष है जब गो रे जब भी छुलते रंग रंग जब जब जुर मातो ये गरम छोला खम सुन खुरवा ले जब थे मैं छा सांझे के जब भी छुलते खंड रे सांझे के गो छोला या ये छोला थर पे लामते छे थरबा रंग लाले शिप्र छे सुबह नाम छे सांझे के रानी जी तो भी छु कांग तो बाते तो भी तोबाते ngaran chu lamten khong gen den chi to so dele ten ne ten kare se go ngen song ngen song se ju men da khol wi go de ten de ska wa yi tharba tham ji chim be kong bang se ten de sung on du se ba yi so ne rani ji tok bi lamten ngan chul ma ten ba de te ten ba te ngaran chu nyam su le ne ten ne kare se go kham sung khol wa de rani rang rang chol to ya chi ma to ba ge
jenge ter ju meba tela ngaron su injinala ya enlightenment se enlightenment se chulo ne chal ju meba ji da rang ke rang ta nyamsulen to go ye chang de son za ultimate ta kyabro te te ngaron su ju baga ju na sumban na shi tong ni nin ji yer me bi nyum mi sem la chap sun ji es nyum mi sem ge den de ngan ju nam to ba ena te ngan ju cham do thar thuk te de kap so ngan ju ta ngon du se yo The Tombani, the Tig Numi Semsati, Tombani, the Ninja Yerme Bidani Chain. Then I want to want to see on do, then it, Tan Korwagan Tarsi Senare, Yangde Command of Senare, Tan Tartuki, Jambo Moman of the Tony Ninja Yerme Bidani Chain, the one to see on Jutela, the Shaggy Yudu, then Tondam Nangi Cabros and Tela, the Tang Unegi Cambro of the Tendrigal Chaggyuris. जहाँ तक हम शरण शरण की बात करते हैं किसी के शरण में जाते हैं किसी के शरण में जाने पर हमारा प्रोटेक्शन हमारा रक्षा होती है तो रक्षा करता है हम जिसके शरण में जाते हैं वो हमारा सपोर्ट करती है तो हमें विघ्न बाधाओं से वो रक्षा करती है हमको सुरक्षित रखती है तो इसी क्रम में अगर जब हम त्रिशरण गमन करते हैं तो तथागत या त्रिरत्न हमें कैसी रक्षा करती है इस पर अगर विचार किया जाए तो वास्तव में रक्षा तो स्वयं हमें खुद को करना पड़ता है स्वयं हमें खुद को करना पड़ता है वो कैसे क्योंकि डिफाइनमेंट्स जो है राग द्वेष मोह आदि हैं वो तो हमारे अवगुण हैं ना उसको तो हमको ही रिमूव करना है ना वो तो हमारे अंदर है उसको जो है उसको जो है बुद्ध तो वहाँ से उसको निकाल तो नहीं सकते हैं लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन किया है ज्ञान जैसे कि आपने कोट किया ज्ञान चल अथर्वे लम दिम्बा मैंने आप लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाया है मैंने आपको जो कैसे राग और द्वेष और मोह से ऊपर उठाया जा सकता है उसका मार्ग हमने आपको जो है दिखाया है उसको उसका अनुकरण आपको करते हुए तो उससे निवृत्त होना है ना रक्षा का अर्थ यह है कि उन्होंने सम्यक रास्ता दिखाया है अगर हम उस पर चलते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं हम संसार चक्कर से हम ऊपर उठ जाते हैं दुख से निवृत्ति हरियाण की देशना तथागत बुद्ध ने भी नहीं दी थी जो उसके पात्रता रखते हैं जो उसकी योग्यता रखते हैं इंडिविजुअल के रूप में जो है तथागत बुद्ध ने भी वज्रयान की देशना दी थी क्योंकि वज्रयान की देशना में यह है कि इसी जन्म में अगर हम अभिषेक ले करके समय का अनुपालन करते हुए प्रयास करते हैं तो हम बुद्धत्व की प्राप्ति की वो सामर्थ्यता रखते हैं इसलिए वज्रयान को जो है बहुत ही असामान्य रूप में देखा जाता है अतः फिर कोई भी उपदेश हो या अभिषेक हो इसमें दोहराया नहीं है तो गुरु को जो है रिक्वेस्ट करना पड़ता है मंडल ऑफर करना पड़ता है मीन्स मंडल का अर्थ है अपने काय वाक चित को जो है गुरु को समर्पित करना पड़ता है और उनके शिष्यत्व के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तो उसी सातत्य में उसी क्रम में जो है तो इनिशिएशन लेने से पूर्व जो है त्यागी जी जो है आप मंडल अर्पण करते हुए जो है अमित आयु के इनिशिएशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे पूर्वी मी अपने नाशिक येथील रेकी मास्टर श्रीमती अनिता सुरोडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले गुरुजी अनिल भोताडे यांचा सत्कार करावा यानंतर डॉक्टर वांगचुक दोर्जी नेगी हे व्हॉट इज शरणगमन इम्पॉर्टन्स ऑफ शरणगमन बोधिचित्तोत्पाद इनिशिएशन अँड इट्स बेनिफिट या विषयावरती आपल्याला दोन शब्द सांगणार आहेत मैं डॉक्टर वांगचुक दोर्जी नेगी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमें मार्गदर्शन करें परम आदरणीय अनिल तिवारी जी रमेश जी बनारसी जी और सभी आप सब श्रद्धालु गण प्रतिभागी गण
तो मुझे आज शरण गमन का इम्पोर्टेंस और शरण गमन का स्वरूप बोधिचित और इनिशिएशन से क्या फ़ायदा होती है इस पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया है। तो उसके लिए मैं वास्तव में आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि ये सुअवसर मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक मंक हूँ, भिक्षु हूँ। मेरे लिए जो अपने जीवन में मैंने अध्ययन किया है, जिसमें मैंने समय लगाया है अपना बहुमूल्य, यदि उस विचार को जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिलता है, अपने अपने भिन्न भिन्न कामों में एंगेज रहते हैं, अध्यात्म से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, उनके सामने अपने विचार को रखने का जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से वो बहुत मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हुए जहाँ तक शरण गमन का प्रश्न है, आप सब जानते हैं बुद्धिज़्म में शरण गमन जो है, मैं तीन के शरण गमन में जाते हैं हम। बुद्ध के शरण में जाते हैं, धर्म के शरण में जाते हैं और संघ के शरण में जाते हैं। जबकि अन्य धर्म में ऐसा त्रिशरण नहीं होती है, एक ही शरण होता है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी में लें, चाहे मुस्लिम में लें, चाहे हिंदू में लें, तो ईश्वर की शरण में जाते हैं। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म शरण नहीं होता है, ना तीसरा संघ शरण होता है। एक ही शरण होता है, वो है गॉड है, ईश्वर है, ओम जो भी हो। इसके पीछे भी कारण हैं, उसको समझना चाहिए। उसको मैं ऐसा समझाता हूँ आप लोगों को, जैसे उदाहरण के लिए इथिक्स मॉरेलिटी को लें, ठीक है ना, अकुशल कर्म को लें। सभी धर्मों में हिंसा जो है पाप है, ये माना जाता है, सभी धर्मों में है हिंसा पाप है। लेकिन उसके पीछे हिंसा पाप क्यों है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कि क्रिश्चियन में हो या मुस्लिम में हो या अन्य धर्मों में, जीव हिंसा पाप है क्योंकि ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने कहा है जीव हिंसा मत करो। इसीलिए जीव में भी सीमाएं हैं, है ना। पशु को मारना पाप नहीं होता है, वहाँ पशु का हिंसा पाप नहीं है, लेकिन सिर्फ मनुष्य की हत्या करना पाप है। पशु का हत्या पाप नहीं होता है, तो फिर मनुष्य को मारना, मनुष्य का जान लेना पाप है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने कहा है यदि आप मनुष्य का हिंसा करते हैं तो पाप है। कमांडमेंट है, आदेश है, 10 कमांडमेंट क्रिश्चियनिटी में आता है, उसी प्रकार अन्य धर्मों में भी आती है। तो उसका पीछे क्या है, ईश्वर ने कहा है यदि आप ईश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं तो आपको पाप होता है, है ना। इसलिए पाप नहीं है कि आप जीव को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए पाप नहीं है कि जीव का प्राण आप ले रहे हैं जो सबसे कीमती है, है ना। सबसे कीमती हमारे लिए क्या है, हमारा जीवन सबसे सबसे कीमती है, है ना। हम अपने जीवन के लिए हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। इससे ये सिद्ध है कि प्राण जो है कितना प्रीशियस है, कितना कीमती है। प्राण के सामने धन दौलत कुछ भी नहीं है। जो मर रहा हो उसका अगर जीवन दान मिल रहा हो तो उससे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार तो अन्य धर्म दर्शनों में ये कहा है कि ईश्वर ने कहा है अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको पाप होती है। तो ईश्वर वचन के चलते ईश्वर ने कहा है इसलिए पाप है। लेकिन बौद्ध में ऐसा नहीं है, बौद्ध में जीव हिंसा करना पाप है वो इसलिए नहीं कि बुद्ध ने कहा, इसलिए नहीं है। पाप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जीव को कष्ट दे रहे हैं।
प्राणी को कष्ट दे रहे हैं, प्राणी का अप्रिशिएट जान ले रहे हैं, उसको पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसके चलते आपको पाप हो रहा है। वो अलग हुआ ना, एक उल्लंघन के कारण पाप है, एक यहाँ पर जीव को कष्ट देने के वजह से पाप हुआ है। तो इसलिए बौद्ध में जो है जीव का तात्पर्य मनुष्य तक सीमित ना होकर के इंसेक्ट, छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर के चींटी से लेकर के आप लें तो हवेल तक, सबका प्राण प्रिय है, कि हत्या करना जो है पाप है। तो इससे समझ सकते हैं कि पाप और पुण्य का मापदंड जो है कोई ईश्वरीय वचन नहीं है, अपितु आप जीव को कष्ट दे रहे हैं इसलिए पाप हो रहा है, इसको समझना होगा। इसीलिए जब हम शरण की बात आते हैं तो वहाँ पर क्या है कि एक ही ईश्वर है जिसके हमको शरण में जाना है, लेकिन बुद्धिज्म में शरण बुद्ध के भी शरण में जाना पड़ता है, लेकिन मेन शरण जो है धर्म के शरण ही वास्तविक शरण है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी बौद्धों में उपमा देकर कहा गया है बुद्ध को, जो एक प्रकार से फिजिशियन की तरह, डॉक्टर के तरह कहा है। बुद्ध क्या है, एक प्रकार से डॉक्टर हैं। हम लोग क्या हैं, रोगी हैं। किसके रोगी हैं, राग द्वेष मोह आदि के हम लोग रोगी हैं, है कि नहीं, रोगी हैं। और फिर वो रोगी के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर मात्र कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर तो हमको प्रिस्क्रिप्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ये खाइए वो खाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेन हमारा तो मेडिसिन लेने से है, दवाई से है, दवाई धर्म, धर्म का शरण जो है क्या है, एक प्रकार से दवाई लेने के तरह है दवाई। फिर आपके पास डॉक्टर भी है, आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन आप अस्वस्थ हैं, आप अपने को देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए एक असिस्टेंट नर्स की आवश्यकता होती है, नर्सिंग करने वाले की आवश्यकता होती है, सहायक की आवश्यकता होती है, जो आपके साथ जो है रहें, जैसे कि 3 बजे दवाई खाना है तो वो आपको याद दिलाएं, हाँ किसके साथ दवाई लेना है वो याद दिलाएं, अंदर जाना बाहर जाना जो भी हो, असिस्टेंट की सख्त आवश्यकता होती है, तभी जा करके हमारा जो है हम रोग से जो है रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर मात्र से नहीं, दवाई मात्र से नहीं, असिस्टेंट मात्र से नहीं, 3 चीज़ों की सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बौद्धों में जो है त्रिशरण की व्यवस्था की गई है, त्रिशरण है यहाँ पर बौद्धों में, एक तो ये जानना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ, ग्रंथों में सूत्रों में ये भी कहा है, रंगीला नेपे दुषे छोला मन की दुषे केवे शिंगला मन पखे पे दुषे, इस करके हम लोगों को 3 प्रकार की विचार प्रिसेप्शन होना चाहिए, जैसे कि मैं रोगी हूँ ये आपको होना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। मेरे आज समस्या ये है कि व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि मैं राग द्वेष मोह ईर्ष्या का रोगी हूँ, अपने को समझ नहीं पा रहा, ये जानना ज़रूरी है। मैं राग का द्वेष हूँ, क्रोध का रोगी हूँ और जेलसी का दोषी हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब हम राग के कंट्रोल में आ जाते हैं, द्वेष के कंट्रोल में आ जाते, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, है ना। राग तो एक प्रकार से क्या है, कलरफुल पानी की तरह, पानी में अगर रंग डाल देंगे तो इसके अंदर क्या चीज़ें आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेडिश हो गया है, दिखाई नहीं। इसी प्रकार जब हम राग के वेश में आ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, विवेक खो देते हैं, तो कुछ भी सही काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार द्वेष को बुद्ध ने कहा है उबलता हुआ पानी की तरह कहा है, अगर पानी उबल रहा हो तो क्या उसके नीचे है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जब हम द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार अज्ञानता के वशीभूत स्टेगनेट पानी की तरह है, पानी जमा हुआ है, फंगस पैदा हो रही है, कीड़े मकोड़े पौधे हैं, बदबू आ रही है, तो इस प्रकार हमारा जो मन जो है राग द्वेष मोह से पीड़ित है, क्या सही है क्या गलत है वो हम करने में हमारे पास विवेक नहीं है, इस प्रकार हम अस्वस्थ हैं, सही काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार शरीर अगर अस्वस्थ हो तो हम कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। यदि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो हम कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते हैं, हम चाहे वो कृषि का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, तो शरीर अस्वस्थ होने पर कैसे काम कर सकेंगे, नहीं कर सकते ना, शरीर को स्वस्थ होने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार मानसिक स्तर पर हम अस्वस्थ हैं, राग द्वेष मोह से जल रहे हैं, है ना, तो फिर हम सही काम कैसे कर सकते हैं, वो हमारे से महान काम, उच्च काम
नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि अपने को जो है रोगी समझना चाहिए, रोगी की तरह अस्वस्थ हूँ, राग द्वेष से अस्वस्थ हूँ। फिर बुद्ध को जो एक प्रकार से डॉक्टर के रूप में समझना चाहिए कहा है, फिर धर्म को दवाई के रूप में समझना चाहिए कहा है, फिर अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ होऊंगा, स्वस्थ होने चाहता हूँ, स्वस्थ होने के लिए जो है मैं जिस प्रकार डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसके अनुरूप मैं काम करूँगा, अपने अंदर संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प है तो आप शारीरिक अस्वस्थता से भी विरक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार राग द्वेष मोह से पीड़ित हूँ ये जानकारी हो और उससे मुझे किसी भी हालत में निकलना है, ये अगर आपके अंदर है तभी जाके आप जो है स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है बोधों में त्रिशरण की कल्पना की गई है, ये समझना होगा। अब उसके बाद त्रिशरण में बुद्ध है एक, धर्म है, संघ है। अब इसमें भी बहुत थोड़ा विभिन्नताएं हैं क्योंकि अगेन बौद्ध धर्म जो है क्या है, बुद्ध जो है फिजिशियन होने के नाते, एक डॉक्टर वैशज्य राज होने के नाते वो जो व्यक्ति के रोगों के अनुसार उपचार करते हैं, है ना, डिफरेंसेस है। बुद्धिज्म बहुत वेरिटी है, बुद्धिज्म के अंदर बहुत ही वेरिटी। क्यों वेरिटी है? क्योंकि लोगों के सोचने का तरीका भिन्न भिन्न है, इसलिए उन रोग भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, है ना। कोई कैंसर है, कोई एड्स है, कोई ट्यूबरक्लोसिस है, कोई फिर सिर बीमार है या जो भी है, उसको उसके अनुरूप दवाई देना होगा ना। कि ये नहीं कि कोई सिर दर्द हो रहा है तो उसके पेट दर्द का दवाई दे दूं तो उससे काम नहीं चलेगा, जो पेट का पेशेंट है उसको कोई दूसरा दवाई, तो अलग अलग है ना। अलग अलग है तो धर्म भी अलग अलग चाहिए, दर्शन भी अलग अलग चाहिए, उपचार भी अलग अलग होने चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म में आप शमत भी है, आप विपश्यना भी कर सकते हैं, आप जो है पारमिताओं का साधना भी कर सकते हैं, आप जो मंत्र का रिसाइट भी कर सकते हैं, आप देवी देवताओं का भावना भी कर सकते हैं, पूजना अर्चना भी कर सकते हैं, भिन्न भिन्न है। कुल मिला के क्या है, वेरिटी है। वेरिटी इसलिए है कि मनुष्य की मेंटेलिटी, सोचने का तरीका भिन्न भिन्न है, इसलिए बुद्धिज्म जो है बहुत वेरिटी है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये समझता हूँ बुद्धिज्म की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं है अन्य धर्म की तरह ये है बाइबल है बस यही है, इसे अगल बगल नहीं जा सकते, ये है ये ग्रंथ इसके अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म बुद्धिज्म तथागत बुद्ध 35 वर्ष में बुद्धत्व की प्राप्त की और 81 वर्ष तक रहे, लगभग 45 वर्ष रहे, भिन्न भिन्न लोगों से भेंट किया, भिन्न भिन्न लोगों की समस्याओं का समाधान किया और भिन्न भिन्न भाषाओं में भी उन्होंने भी उपदेश भी दिया, है कि नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि बुद्ध ने पाली में ही कहा होगा, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध ने संस्कृत में ही बोला, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो क्योंकि सच पूछा जाए तो ईमानदारी से अगर कहा जाए तो बुद्ध के समय में पाली तो था ही नहीं, पाली भाषा तो बाद में बना है। पाली भाषा तो बुद्ध घोष ने श्रीलंका जा करके जब आत्मकथा लिखना शुरू किया तो तब पाली आता है। पाली भाषा कहाँ थी, वो तो प्राकृतिक जन की जन लोग लोग जन की भाषा में मगध में मगधी में बोलते थे, तो बनारस में आते थे जो जैसे जैसे ऑडियंस हुआ ऐसा बोलते थे बुद्ध, है ना। तो ये थोड़ी है कि वो लकीर के फकीर थे, यहाँ सुनने वाले संस्कृत सुनने वाले हैं मैं अभ्रांश ही बोलता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं करते थे, जो जैसे श्रोता थे उसके अनुरूप बोलते थे। आज स्वयं हमको देखो, मैं जब तिब्बतियों के बीच में हो तो बोटी भाषा बोलता हूँ, ये थोड़ी है कि मैं वहाँ जाके भी संस्कृत बोल दूँ हिंदी बोल दूँ, जब ऑडियंस बोटी है तो बोटी आती है तो मेरे को बोटी बोलना है, और जहाँ ऑडियंस विदेशी है इंग्लिश वाले हैं तो उनको इंग्लिश में बोलना होगा, जो ऑडियंस हिंदी में है तो हिंदी में बोलना होगा। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने भी ऑडियंस के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं में कही होगी, भिन्न भिन्न भाषाओं में उपदेश दिया होगा, और धर्म भी एक नहीं अनेक, इसको मान के चलना होगा। अगर हम ऐसा ना मान करके इसी में वो नहीं, बुद्धिज्म जो है क्या है कि इसको समझना बहुत वास्ट है, और उन्होंने कई भाषाओं में अभ्रांश भाषा में भी दिया हो, कई मागधी भाषा में भी दिया हो, कई भाषाओं में उन्होंने उपदेश दिया और भिन्न भिन्न दिए होंगे। अगर ये कहें कि यही दिया ये गलत बात है, ठीक है ना, इसको एक समझना पड़ेगा क्योंकि मेंटेलिटी डिफरेंस है। हम लोग सब यहाँ पर जो कमरे में हैं सब ह्यूमन बीइंग एक हैं, लेकिन अपीरियंस देखो कितना, सब अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, बोलने की शैली एक दूसरे में भिन्नता है, अलग अलग है, मेरे बोलने का शैली अलग है, आपका अलग है, आपका ट्यूनिंग अलग है किसी दूसरे,
तो फिर सोच अलग क्यों नहीं होगा, सोच भी अलग अलग है, इसलिए भगवान बुद्ध ने जो अनेक उपदेश दिए इसको मानना पड़ेगा, इसको आप लोगों को समझना है। एक बुद्ध को समझने के लिए जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, बुद्ध को किसी एक पैटर्न में किसी एक सांचे में डाल करके बुद्ध को नहीं समझ सकते हैं। वेरिटी को आपको समझना होगा बुद्ध के साथ। तो फिर अच्छा ये बुद्ध, इसलिए मैं ये कह रहा था, हाँ थेरवाद के अनुसार बुद्ध का कॉन्सेप्ट अलग है, महायान में आकर के बुद्ध का कॉन्सेप्ट अलग है, वज्रयान में जा करके बुद्ध का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, अलग अलग बन जाता है, क्योंकि ये विनयजनों का ऑडियंस का लेवल अलग अलग है, सोच अलग अलग है, तो वो अलग अलग होगा ही ना। इसको मैं इस उदाहरण से भी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध का वचन तो अमृत की वर्षा के सदृश है, रेन की तरह है, किसी एक जंगल में रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, एक समान रूप से बारिश हो रही है, तो लेकिन नीचे प्लांट्स है, प्लांट छोटे बड़े हैं, पेड़ पौधे छोटे बड़े हैं, तो अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार मॉइस्चर लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना, छोटा प्लांट्स होगा तो थोड़ा जैसा मॉइस्चर लेगा, वहाँ शॉल का पेड़ होगा तो वो मॉइस्चर ज़्यादा लेगा, आम का पेड़ होता और ज़्यादा लेगा, तो अपना अपना जो कैपेसिटी होगा उसके अनुसार जो है बारिश का पानी को वो पेड़ सींचेगा। ठीक उसी प्रकार भी तथागत बुद्ध के समय में ऑडियंस हज़ारों बैठे होंगे, वो अपने अपने मेंटल लेवल पर जब उन्होंने प्रतीत समुत्पाद की बात कही होगी, अपने लेवल के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने समझा होगा, जब शून्यता की बात कही होगी, अनात्म की बातें कही होगी, वो अपने अपने लेवल के अनुसार भिन्न भिन्न सतह पर भिन्न भिन्न सोए होगा, इसलिए वैरिटी है। इसीलिए बुद्धिज्म में देखिए तीन तीन यान है, थेरवाद है, महायान है, वज्रयान है, और अंदर अभ्यंतर देखिए 18 स्कूल थे बुद्ध के समय में, है ना, थेरवाद है, महासांगिक है, सर्वास्तिवाद है, अनेक 18 निकाय हुई, उसी प्रकार वैभाषिक है, स्वतांत्रिक है, विज्ञानवाद है, माध्यमिक है, तंत्र में जाएंगे तो आप क्रिया तंत्र है, चर्य तंत्र है, योग तंत्र है, अनुत्तर योग तंत्र, बहुत सारे विभिन्नता है ना, भिन्न भिन्न है ना, है कि नहीं। ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों के लेवल के अनुसार उन्होंने उपदेश दिया था, भिन्न भिन्न है, ये सब मानना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, वो बिल्कुल गलत बात है, जो आपके लिए सबसे हाँ मापदंड ये है कि हमारा राग द्वेष मोह कैसे कम हो रहा है ये देखना है, हमारे अपने प्रैक्टिस से, हमारे अपने साधना से अगर राग द्वेष मोह मिनिमाइज हो रहा है, आपके अंदर शांति पीस उत्पन्न हो रही है, तब उसको समझिए कि वो जो है आप जो है सही ट्रैक पर हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए पुनः क्योंकि मेरे को त्रिशरण गमन बोलना है, तो इसलिए जो थेरवाद के अनुसार बुद्ध का कॉन्सेप्ट भिन्न है ना, थेरवाद के अनुसार बुद्ध क्या है, बुद्ध परिनिर्वाण के पश्चात जो है लगभग जैसे कि दिया बुझ जाती है, उसी प्रकार उसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, अरहतों का भी अस्तित्व नहीं मानते हैं, बुद्ध का भी अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए कभी कभी मुझे डाउट होता है जब थेरवाद के लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहते होंगे तो किसके शरण में जानते होंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता होगा, क्योंकि बुद्ध का अस्तित्व तो है नहीं अभी, क्योंकि वो मानते नहीं। जिस प्रकार से दिया बुझ गया है, दिया बुझ गया है, खत्म हो गया है, तेल खत्म होने के कारण दिया बुझ गया है तो शांत हो गया है, तो किसके शरण में जा रहे हैं, शरण गमन का कोई स्थल जो है, ऑब्जेक्ट जो है क्या है, इस पर विचार करने का। आप बुद्धम शरण में गच्छामि तो बोल रहे हैं, वो बुद्ध कौन बुद्ध है, बुद्ध तो मर चुके, उसका कंटिन्यूटी तो वो मानते नहीं, उसकी चित्त की कंटिन्यूटी तो आज नहीं मानते, उसके बॉडी की कंटिन्यूटी तो आप नहीं मानते हैं, तो फिर बुद्धम शरण गच्छामि में किसके शरण में आप जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि उनके द्वारा उपदेशित धर्म के शरण में जा रहे हैं, वो तो धर्म शरण हुआ, वो तो बुद्ध शरण तो नहीं हुआ ना, है ना। ठीक है, संघ शरण में जा रहे हैं, संघ है आपके सामने जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, संघ के शरण में जा सकते हैं, तो बुद्धम शरण गच्छामि कहते समय कौन सा बुद्ध, किस बुद्ध के शरण में आप जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ा विचार करना होगा बुद्ध, ठीक है ना। दूसरा, धर्म की शरण जाते हैं तो धर्म की शरण जाते समय भी जैसे मैंने कहा धर्म वेरिटी है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो थेरवाद के अनुसार धर्म जो है क्या है, तथागत बुद्ध ने जो सारनाथ में पंच वर्गीय भिक्षुओं को चार आर्य सत्य की देशना दी थी, दुख आर्य सत्य है, समुदाय आर्य सत्य है, मार्ग आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य है, चार आर्य सत्यों की देशना दी थी, तो मार्ग आर्य सत्य में जो अष्टांगिक मार्ग हैं तो उसको जो है वो धर्म के रूप में मानते हैं,
धर्म का धर्म शरण जो है उसके शरण में जा रहे हैं तो है इसमें बनता है शरण गमन जहाँ जा रहे हैं प्रतीत समुत्पाद के शरण में जा रहे हैं अर्थात प्रतीत समुत्पाद को हम अपने जीवन में उतारने चाहते हैं वही एक प्रकार से प्रति धर्म की शरण में है चार आर्य सत्य को आप समझने चाहते हैं उसके शरण में जा रहे हैं वो ठीक है धर्म धर्म शरण गमन ठीक है उसी प्रकार संघ शरण गमन में जाते हैं तो ठीक है संघ चार विषयों का संघ को जो चार विषयों का जो एग्रीगेट होता है असेंबली जो होता है उसको हम संघ कहते हैं ठीक है संघ के शरण में जा रहे हैं वो भी मानता हूँ तो लेकिन बुद्ध पर वास्तव में हम लोगों को सोचना है उनको सोचना है कि वो कित अब यहाँ पर महायान के अनुसार बुद्ध जो है आज भी होते हैं बुद्ध की चित्त की कंटिन्यूटी जो है आज भी है जिस प्रकार एटम कभी भी इनिलिएट खत्म नहीं होता है एटम कभी भी खत्म नहीं होता है ना ये साइंस भी मानती है एटम जो है सबसे सूक्ष्म एटम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है खत्म होगा तो क्रिएशन होगा ही नहीं है ना अगर एटम डिसअपियर हो जाता है खत्म हो जाता है नष्ट हो जाता फिर अपियर खुले आकाश से तो आएगा नहीं कुछ तो कंटिन्यूटी तो चाहिए ना तो जिस प्रकार एटम की कंटिन्यूटी है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो संगात एटम स्मॉलेस्ट जो एटम अणु जो कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एटम वो रहता है उसकी कंटिन्यूटी रहता है वो तो फिजिकल बॉडी वाला हुआ उसी के साथ जबकि साइंस माइंड को नहीं मानती है माइंड को स्वतंत्र अस्तित्व मानता नहीं ब्रेन का फंक्शन मानता है या बायोलॉजिकल रिजल्ट के रूप में मानता है कि कॉन्शियसनेस का इंडिपेंडेंट कंटिन्यूटी वो लोग मानते नहीं है लेकिन जितने भी आध्यात्म हैं वो जो है जड़ के साथ साथ है ना पंच महाभूत के साथ साथ चेतना भी है कॉन्शियसनेस भी है ये दो चीज़ें हैं दो चीज़ों की कंटिन्यूटी जो है बिगनिंगलेस से है वो रहती है इसलिए आज भी बुद्ध का कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी जो होगी बुद्ध का जो बॉडी का सेटलेस फॉर्म जो होगा वो आज भी होगा तो इसको समझने में थोड़ा जैसा तंत्र के साथ जोड़ते हुए कहूँगा जब हम शरीर की बात करते हैं फिजिकल बॉडी की बात करते हैं फिजिकल बॉडी के भी तीन चार लेयर्स हैं उसके भी सतर हैं स्टेजेस हैं जैसे कि एक बॉडी हमारा ग्रोस बॉडी ये है जो हम देख रहे हैं है ना एक तो ये भी बॉडी हुआ दूसरा इससे थोड़ा सेटल बॉडी जो है स्वप्न के समय में स्वप्न का भी बॉडी होता है स्वप्न में भी शरीर होता है उड़ के कहीं चले जाता है आता है अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं कि क्या ड्रीम बॉडी है ना अवेयरनेस में एक बॉडी होता है ड्रीम में ड्रीम बॉडी होता है फिर व्यक्ति जब मर जाता है उसमें इंटरमीडिएट बॉडी आत्मा जिसे हम कहते हैं व्यक्ति के मर जाने के बाद ग्रोस शरीर तो रह जाता है लेकिन जो सेटलेस जो सूक्ष्म शरीर जो होती है वो निकल के जाता है वो फिर ड्रीम बॉडी से भी और भी सेटल है वो जो है जो अंतराभव के प्राणी हैं वो आपस में तो देखेंगे हम लोग नहीं देख सकते हैं कहा है ना ग्रंथों वगैरह में कहा है जब व्यक्ति वगैरह मर जाता है तो ज़्यादा नहीं रोना चाहिए क्योंकि वो आत्मा वहाँ पर रहती है वो बड़ा आश्चर्य होता है क्यों हमारे पूरा परिवार रो रहे हैं क्योंकि खुद को पता नहीं होता है कि मैं मर गया हूँ इसलिए बोलते हैं कि क्यों रो रहे हैं करके उनको बहुत पीड़ा होती है दुख होता है कहते हैं कहने का मतलब आत्मा होती है और दूसरा ये भी कह सकते हो ना किसी में प्रवेश करके बात वगैरह भी करता है ना आदमी मर जाने के बाद किसी किसी परिवार के सदस्यों में प्रवेश करके बात करते हैं दो साल तीन साल के बाद भी बात कर वो भी तो एक आत्मा है ना वो भी एक बॉडी है कि नहीं है वो भी एक सेटलेस बॉडी है फिर उसके नीचे भी जो सेटलेस बॉडी जो है जो हम लोग कहते हैं कि वज्र बॉडी दुर्जे लुई करके ग्रंथों में है सेटलेस बॉडी वो जो है क्या है कि एनर्जी और माइंड का वो है यूनियन ऑफ सेटलेस एनर्जी एंड माइंड वो सेटलेस बॉडी है वो सबसे सूक्ष्मतर बॉडी है वो जो है ना वो जो है क्या है सबसे सूक्ष्मतर अंतर्भाव से भी और सेटलेस बन जाता है वो सूक्ष्मतम बॉडी जो है वो वज्र बॉडी है वज्र तथागत बुद्ध का वज्र बॉडी आज भी है ना इसीलिए तो बोधिचर्य अवतार में कहा है अगर आप श्रद्धा करते हैं आपके अंदर विश्वास है बुद्ध आपके सामने हैं ऐसा बोलते हैं बुद्ध रहता है क्योंकि सेटलेस बॉडी का संबंध जो है उसके तरह विचारों के तरह है विचारों में मैं अभी अमेरिका जा सकता हूँ विचारों में अभी मैं किन्नौर में जा सकता हूँ इतना फास्ट है मेरा विचार उसी प्रकार जो सेटलेस बॉडी जो है यह है इतना फास्ट होता है अगर आप श्रद्धा करेंगे उसको तो बुद्ध आपके सामने होंगे आज भी होंगे तो यही सब तो ये सेटलेस बॉडी तो महायान के अनुसार जो है
भगवान बुद्ध का सेटलेस बॉडी जो है आज भी प्राणियों का हित करते हुए रहते हैं. एंड यूनिवर्स जो अनेक है, यही नहीं है सिर्फ जम्बूद्वीप एक यूनिवर्स नहीं है, अनेकों यूनिवर्स है. बौद्ध दर्शन में कहा गया है, ठीक है ना, अनंत है. तो इसलिए जो भी है बुद्ध है. जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं तो उस बुद्ध के हम, मैं तो जब बुद्ध की शरण में जानता हूँ, साक्षात बुद्ध यहाँ बैठे हैं ऐसा मेरा मानना है. वो साक्षात बिल्कुल यहाँ पर बैठे हैं. उनके साथ डायलॉग जो है सिर्फ क्या होगा, सेटलेस बॉडी से ही डायलॉग हो सकता है. ये ग्रोस बॉडी तो बात नहीं कर सकता है. जैसे कि मेरा सूक्ष्मतर जो शरीर है उसके साथ मैं जो है बुद्ध के साथ बात कर सकता हूँ, बुद्ध से ब्लेसिंग ले सकता हूँ. जैसे इनिशिएशन वज्रयान वगैरह में जाएं तो आप कह रहे हैं कि आपको अमिताभ आयु भावना करना है, है ना. इसका मतलब क्या, आपका माइंड बुद्ध स्वरूप जो माइंड है वो वही हुआ ना, वो बुद्ध जो है वहां रहते हैं. जो हम महायान में शरण जाते हैं, बुद्ध का शरण जाते हैं, बुद्ध का अस्तित्व है जो भी हो, तो उसके शरण में हमको जाना है. सभी गुणों से युक्त हैं, बुद्ध हैं, क्वालिफाइड हैं, वो उनके शरण में जाते हैं, वो बुद्ध महायान के अनुसार. फिर धर्म का शरण क्या होता है, धर्म के शरण में चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग तो है ही है, उसके ऊपर जो है शून्यता है. बुद्ध के जो है शारीरिक गुण हैं, हैं तो वाचिक गुण हैं, मानसिक गुण हैं, वो सब हैं. जब बुद्ध का अस्तित्व आज है तो बुद्ध के अनेकों प्रकार से जो गुण हैं तो उस गुण को हमको जो है प्राप्त करना है. जब हम धर्म की शरण में जाते हैं तो धर्म बोधिचित्त के शरण में हमको जाना है. प्रतीत सम्मुत्पाद सूक्ष्मतर प्रतीत सम्मुत्पाद को समझ करके उसके शरण में जाना है, बुद्ध के गुणों के शरण में जाना है. अर्थात धर्म शरण का अभिप्राय है महायान से संबंधित जितने भी दर्शन हैं, महायान से संबंधित जितने भी साधनाएं हैं प्रक्रिया, उसके शरण में जाना है. वो धर्म शरण हो जाता है, ठीक है ना. धर्म शरण का अर्थ जो है, इसलिए शरण गमन में सच पूछा जाए तो संपूर्ण बौद्ध धर्म दर्शन जो है समाया हुआ है. वास्तव में शरण गमन जो है इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि शरण गमन में बुद्ध को जानना है, धर्म को जानना है, संघ को जानना है, महायान के अनुसार बुद्ध को जानना है, महायान के अनुसार धर्म को जानना है, महायान के अनुसार संघ को जानना है, तंत्रयान के अनुसार बुद्ध का स्वरूप को जानना है, धर्म क्या क्या है वो सब जानना है. इस प्रकार शरण गमन एक प्रकार से बहुत बृहद विषय है जो भी हो. तो फिर अब संघ पर, महायान में संघ शरण क्या है, महायान में संघ का अभिप्राय यही है कि जिसने बोधिचित्त अपने में उत्पन्न किया वो सब संघ है. महायान के अनुसार संघ का अर्थ जो भिक्षु होना जरूरी नहीं है. वैसे भी संघ का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन होता है, संघ का अर्थ होता है संगात, एक का अर्थ वो है जो व्यक्ति बोधिचित्त के साथ इम्बाइब एक रूपता प्राप्त किया है, जिसने बोधिचित्त को अपने में उत्पन्न करके बोधिचित्त के साथ संगात हुआ है, एक हुआ है, वो जो है क्या है, संघ है. महायान के अनुसार संघ जो है ले में भी महायान का संघ होगा, ठीक है. महायान के अनुसार भिक्षु होना ही संघ का मापदंड नहीं है. महायान के अनुसार संघ जो है उसको कहेंगे जो बोधिचित्त को अपने में उत्पन्न करके बोधिसत्व बना है, ठीक है. जिस प्रकार भिक्षु का दीक्षा लेने से व्यक्ति भिक्षु बन जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से उपासक का दीक्षा लेने से व्यक्ति